हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरुजी में। दोस्तों, आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अमल वर्षा में किसकी अधिकता रहती है? आपके पास चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि अमल वर्षा में किसकी अधिकता रहती है। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर चार, सल्फ्यूरिक अम्ल। अमल वर्षा के अंदर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशा संचालक बैटरियों में किस अमल का प्रयोग होता है? आपके पास चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि शीशा संचालक जो बैटरियां होती है उनके अंदर कौन सा जो है अमल पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर चार, सल्फ्यूरिक अमल। शीशा संचालित जो बैटरियां होती हैं उनके अंदर सल्फ्यूरिक अमल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? आपको बताना है कि एक बैरल के अंदर कितने लीटर होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर दो, 159 लीटर, 159 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर दो, जादूगोड़ा। कहाँ पर है? जादूगोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुए क्वेश्चन हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? आपके पास चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से सेरीकल्चर का संबंध किससे है। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर दो, रेशम कीट से। रेशम कीट से संबंधित है सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? आपको बताना है कि सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है। आपके पास चार ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर एक, सेरस। कौन सा है दोस्तों? सेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस वर्ष जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एनटीपीसी के एग्जाम के लिए। भारत में पहली बार महिलाओं को मत अधिकार कब प्राप्त हुआ था? आपको बताना है कि भारत के अंदर जो है महिलाओं को पहली बार मत अधिकार कब प्राप्त हुआ था। आपके पास चार ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दो, 1926 ईस्वी में। कब हुआ था? 1926 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? आपको बताना है कि भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है। आपके पास चार ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर चार, हैदराबाद। कहाँ होता है दोस्तों? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किसके द्वारा किया गया? सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किसके द्वारा किया गया? आपके पास चार ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर दो, लॉर्ड लिटन। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? लॉर्ड लिटन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक के रचयिता कौन है? आपको बताना है कि बीजक के रचयिता कौन है। आपके पास चार ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर दो, कबीर। बीजक किसकी रचना है दोस्तों? कबीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? आपको बताना है। आपके पास चार ऑप्शन है,
इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर दो, जयदेव। गीत गोविंद जो है जी वो जयदेव के द्वारा रचा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? आपको बताना है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दो, 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को हुई थी महात्मा गांधी की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम किसे कहा जाता है? आपके पास चार ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर एक, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है दोस्तों कायदे आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? आपको बताना है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। आपके पास चार ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर एक, 1939 में। 1939 में मुस्लिम लीग ने जो है मुक्ति दिवस मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आपको बताना है कि राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। आपके पास चार ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर चार, 13 मई 1952 को। कब हुई थी? 13 मई 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? आपको बताना है। आपके पास चार ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर तीन, 3 अगस्त 1952 को। कब हुआ था? 3 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर दो, 1996 में। कब हुई थी? 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को अधिकतम विदेशी मुद्रा किस मद से प्राप्त होती है? आपके पास चार ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दो, रत्न एवं आभूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत अवस्थित है? आपको बताना है कि ओजोन परत जो है वो किस मंडल के अंदर अवस्थित है, यानी पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर दो, समताप मंडल। ओजोन परत जो है वो समताप मंडल के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? हवाई जहाज जो होते हैं वो किस मंडल के अंदर उड़ते हैं? आपको बताना है। आपके पास चार ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दो, समताप मंडल। समताप मंडल के अंदर जो है हवाई जहाज उड़ते हैं और वहां पर ही ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? आपको बताना है कि भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, दूसरा। कौन सा स्थान है दोस्तों? दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जो है रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, ब्रिटेन। कहाँ हुआ था दोस्तों? ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? आपको बताना है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। आपके पास चार ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, मोहम्मद हसन। क्या था दोस्तों? मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो का जो है वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। आपको बताना है कि इनमें से किसे भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का जो है जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था। आपको बताना है कि आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मोहन सिंह। कौन था दोस्तों? मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति यहां से आपके पास पूछा गया है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1, मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेता ने सर्वप्रथम पाकिस्तान की परिकल्पना प्रस्तुत की। आपसे पूछा गया है कि किस नेता ने सर्वप्रथम पाकिस्तान की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। आपके पास चार ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, रहमत अली चौधरी। कौन था दोस्तों? रहमत अली चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से काफी क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम की राजधानी कौन सी है। आपको बताना है कि वियतनाम की राजधानी कौन सी है। आपके पास चार ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, हनोई। वियतनाम की राजधानी क्या है दोस्तों? हनोई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर की विषुवत रेखा पर दूरी है लगभग। आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 111.32 किलोमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं। आपको बताना है कि पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं। आपके पास चार ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मंगल और शुक्र। पृथ्वी के दोनों तरफ कौन कौन से ग्रह हैं दोस्तों? मंगल और शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे का रंग सूचक है। आपको बताना है कि तारे का जो रंग होता है वो किसका सूचक है। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, उसके ताप का। करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? उसके ताप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्राकृतिक तत्व नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो प्राकृतिक तत्व नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, नेपच्यूनियम। क्या है दोस्तों? नेपच्यूनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक है। आपको बताना है कि इनमें से प्लास्टिक क्या है। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, बहुलक। प्लास्टिक क्या है दोस्तों? एक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथीन जो होता है वो प्राप्त होता है। आपको बताना है कि इनमें से पॉलीथीन किससे प्राप्त होता है। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, एथेलीन के बहुलीकरण से। किसके द्वारा होता है दोस्तों? एथेलीन के बहुलीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकांड्रिया का संबंध है। आपको बताना है कि इन ऑप्शनों में से माइटोकांड्रिया का संबंध किससे है। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, श्वसन से। माइटोकांड्रिया का संबंध किससे है दोस्तों? श्वसन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है। आपके पास चार ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, हरित लवक। हरित लवक को क्लोरोफिल कहा जाता है। इसके अंदर होता है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल कौन सी है। आपको बताना है कि भारत के अंदर
भेड़ की जो है सबसे उत्तम नस्ल कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, काठियावाड़ी। क्या है दोस्तों? काठियावाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छापाखाना यानी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कहाँ हुआ था? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चीन में। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कहाँ हुआ था दोस्तों? चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम की सभ्यता में किस भाषा का इस्तेमाल होता है? रोम की सभ्यता में किस भाषा का इस्तेमाल होता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, लेटिन। किसका होता है दोस्तों? लेटिन भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर देने का कारण क्या था? आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, चोरी चोरा कांड। क्या था दोस्तों? चोरी चोरा कांड, जिसके कारण जो है असहयोग आंदोलन जो है स्थगित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल दुर्घटना कब घटित हुई थी? आपको बताना है कि ब्लैक होल दुर्घटना जो है कब घटित हुई थी। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1756। कब हुआ था? 1756 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1757 में सिराजुद्दौला को किसने हराया? आपको बताना है कि 1757 का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर सिराजुद्दौला को किसने हराया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्लाइव ने। किसने हराया था? क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह ने उपज का कितना भाग भूमि कर निर्धारित किया था? आपको बताना है कि शेरशाह ने उपज का कितना प्रतिशत भाग जो है वो भूमि कर निर्धारित किया था? इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, 1/3। कितना था दोस्तों? 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फरीद खां। क्या था दोस्तों? फरीद खां। शेरशाह का बचपन का नाम क्या था दोस्तों? फरीद खां। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।